प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गाजर का हलवा बनाना बताएंगे। गाजर को पहले इस तरीके छील लेंगे। गाजर के दोनों तरफ का भाग काट लेंगे, ये देखिए इस तरीके। इस तरीके इसको छीलेंगे छीलने से। सभी गाजर हमने छील लिया है, ये देखिए। आइए अभी इसको घिसना बताते हैं। ये कद्दूकस में घिसेंगे इस तरीके। ये हमने घिस लिया है सभी गाजर को। हलवा में डालने के लिए बादाम थोड़ा ले लेते हैं, इसको काट लेंगे और काजू भी काट लेंगे और चिरौंजी है। इससे गाजर का हलवा का टेस्ट बढ़ जाता है, बढ़िया आता है हलवा। सभी काजू बादाम हमने काट लिया है, ये देखिए दोस्तों। गाजर का हलवा में डालने के लिए हम देसी घी का प्रयोग करेंगे, ये देसी घी है। आइए बनाने की तैयारी करते हैं। कद्दूकस किए गाजर को अब कुकर में रखेंगे। इसको 2 सीटी तक पकाना है हमको। 1 कप पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। ढक्कन बंद करके गैस पे रख देंगे। 2 सीटी तक पक चुका है गाजर, गैस का फ्लेम बंद कर दिए हैं। सभी सामग्री हमारी तैयार हो चुकी है। काजू, बादाम, चिरौंजी, 4 छोटी इलायची, ये हमने 250 ग्राम खोया ले लिया है। 1 किलो गाजर में हम 250 ग्राम खोया डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। ये हमारी अच्छी तरीके गाजर पक चुकी है, पानी भी ज़्यादा नहीं ऐड किया था, पानी भी नहीं है गाजर में। आइए गैस जलाते हैं, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई गर्म करेंगे। इसमें 1 चम्मच बड़ा चम्मच घी डालेंगे, देसी घी डाल रहे हैं। ये हमने देसी घी डाल दिया है। अब इसमें मेवे भूंज लेंगे। इलायची को छोटी ओखली में कूट लेते हैं। सभी मेवे हमने भूंज लिया है। अब इसमें गाजर डाल देंगे। गाजर हमने डाल दिया, ये उबली हुई गाजर डाल दी है। अब इसको भूनेंगे 2-3 मिनट तक। गैस का फ्लेम मीडियम रख देंगे, इसको मीडियम फ्लेम में भूनना है। अब इसमें खोया डालेंगे, इसको भी अच्छी तरीके मिलाना है। अब इसमें 300 ग्राम चीनी डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो और भी चीनी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अनुसार डालिए चीनी। इसको भी अच्छी तरीके मिलाएंगे। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, इसको हाई फ्लेम में भूनेंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर से ज़रूर घर पे बनाइए, बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनेगा हलवा इसे। इसको हाई फ्लेम में 3-4 मिनट तक इस तरह भूनेंगे। गाजर का हलवा बनके तैयार हो चुका है, गैस का फ्लेम बंद कर दिए हैं। आइए अब सर्व करते हैं। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए, कोई गलतियाँ हो तो माफ़ करिए। आज की रेसिपी हमारी कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। धन्यवाद।